ये पत्ता है, ये देखिए इसे दूध निकल रहा है। तो इसका दूध देखिए, मैं दिखाता हूँ कैमरे के पास ले आकर के, देखिए इस तरह। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग, और मैं हूँ आपका प्यारा भाई चुनीलाल यादव। और दोस्तों मैं फ़िलहाल निकला हूँ घूमने टहलने के लिए, थोड़ा सा समय हो गया है, मौसम बहुत बढ़िया है, ना धूप है और ना कुछ है, हवा पूरी बढ़िया चल रहा है और छांव है। कभी कभी धूप आ जाता है तो मज़ा आता है बहुत ज़्यादा ऐसे मौसम में घूमने में। तो निकल दिया हूँ नेशनल हाईवे NH-82 के पास, और देख सकते हैं हाईवे पे ही चल रहा हूँ। ठीक है, ये मेरे गांव से 100 मीटर दूरी है, तो 100-200 मीटर तो यार घूमने के लिए आते ही हैं। ठीक है, तो देखते हैं और क्या होता है, कितना मज़ा आता है, कौन कौन से लोग मिलते हैं। मिलेगा तो कोई नहीं यार, इस टाइम कौन आता है, हम भी सिर्फ माइंड को फ्रेश करने के लिए घूमते हैं। और देखिए एक पौधा मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। और भाई तुम्हें लोग बोलते थे कि यार मतलब कि इस पौधे के अगर दूध आँख में चले जाए ना तो वो अंधा हो जाता है इंसान। तो वजह में हम डर के मारे तोड़ते नहीं थे मम्मी के डर से कि यार भले ही नहीं यार आँख अंधा हो जाए। ठीक है, तो रियली में यार सच में अंधा होता है यार नहीं होता है। देखिए ये पौधा है, अब मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए ये पौधा है, ठीक है। इसकी जो दूध है ना, मैं भी आँख इच्छा कर लेता हूँ, ठीक है। इसमें देखिए दूध निकलता है, ये देखिए देख रहा है यहाँ से देख लीजिए। तो ये दूध नजर आ रहा है, तो भाई सच में बचपन में कहते थे कि यार ये दूध अगर आँख में चला गया ना तो आँख अंधा हो जाता है। भाई सच में यार आँख अंधा होता है या नहीं होता है मुझे तो मालूम नहीं है, ठीक है। और एक्सपेरिमेंट भी नहीं कर सकते यार, डर लगता है भाई। एक भाई हूँ यार, पता नहीं यार हो जाए सच में अंधा हो जाए तो यार घर का कहानी ख़त्म। ठीक है, तो यार ऐसा मुझे नहीं करना एक्सपेरिमेंट तो यार वही लोग करते हैं, जैसे इंडियन हैकर हो गया, क्रेजी एक्स वाई जेड हो गया, ये सब यार एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। तो उन लोग करेंगे तो यार चलेगा, मेरा नहीं चल सकता भाई। मैं एक भाई हूँ यार, अकेला दिया बाती की तरह चलते रहता हूँ। तो यार एक्सपेरिमेंट करना अच्छी चीज़ नहीं है। और फिलहाल मैं इधर ही मतलब कि हाईवे पर बैठा हूँ। और सच में क्या इस पौधे से मतलब कि यार अगर ये दूध चला जाए तो अंधा हो सकते हो, ठीक है। तो क्या ये पौधा आपके पास होता है, इसको किस नाम से पुकारते हैं? और हमारे गांव में इसको क्या बोलते हैं, अकौना बोलते हैं शायद, या अकौना इसको हो जाता है। अकौना के दूध अगर आँख में चले जाए तो यार आँख जो है अंधा हो सकता है, ठीक है। तो आपकी तरफ इस पेड़ को क्या नाम देते हैं थोड़ा सा बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। और फिलहाल हवा बहुत अच्छी चल रही है, मौसम बहुत अच्छा है और हाईवे पर बैठा हूँ। और क्या बनाऊँ वीडियो, टॉपिक तो मिलते ही नहीं कुछ। चलो ये टॉपिक हो गया, बना दिया वीडियो, ठीक है। और थोड़ा सा मजे मस्ती भी ले लिया हाईवे पे, ठीक है। चलिए चलते हैं, फिर मिलेंगे आपको अगली ब्लॉग में। एक छोटा सा ब्लॉग बनाना अच्छा लगता है, छोटा ब्लॉग ही बनाना चाहता हूँ मैं हमेशा, 1-2 मिनट का, ठीक है। अच्छी लगती है, ज़्यादा बनाना क्या फ़ायदा है, 10 मिनट बर्बाद यूट्यूब किसी दूसरे क्यों करेंगे। चलो चलते हैं, थैंक यू, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।